हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद सादा में। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट का कुछ अल्टरनेट, उसको कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं और भी स्ट्रिंग के मेथड्स जैसे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से स्टूडेंट्स को कर लेते हैं ज्वाइन, थोड़ी देर में लोग हो जाएंगे ज्वाइन, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इंतजार करता हूँ उन लोग का ज्वाइन होने। तो आज अपना डे 8 है और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट्स देखे थे, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को एक नए, मतलब ऑब्जेक्ट का एक नया न्यू कीवर्ड से हम लोग किस कैसे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ओबीजे नाम से। ओबीजे नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंटर दबाने का और यहाँ पे ब्रैकेट दे देने का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी इसको बनाने का एडवांटेज ये रहते कि हम लोग को अगर कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग इस तरीके से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और फिर आगे फ्यूचर में जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे एक एक करके इसके अंदर वैल्यू डालते जाएंगे। अभी इसके अंदर हमें अगर वैल्यू डालना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओ बी जे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हमें डॉट दे के प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा, हम कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे। जैसे मैं यहाँ पे एफ नेम करके एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ और इक्वल टू दे के इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ खान सादा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे और कंसोल डॉट लॉग करके इसके अंदर मैं ओबीजे को करता हूँ प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, यहाँ पे जाऊंगा मैं राइट क्लिक दे के, राइट क्लिक देता हूँ मैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट को मैं खोलता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट को खोलने के बाद हमें जाना पड़ेगा कंसोल में। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट को हमने कंसोल कहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आ गया। और जब हम ये एरो पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है एफ नेम नाम से, ठीक है। मैं मल्टीपल और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ प्रॉपर्टीज के नेम के साथ, एफ नेम एल नेम इक्वल टू आलम, ठीक है। और ओ बी जे डॉट यहाँ पे मैं देता हूँ एज, और यहाँ पे एज में दे देता हूँ 20। पेज को करूंगा रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हमारे सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक एक करके इस ओबीजे नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गए जो हमने न्यू कीवर्ड से बनाए थे। अभी हमें इसको प्रिंट करना है तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में इसको प्रिंट करते थे सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट, और यहाँ पे शानवाज मुझे अगर यहाँ पे ओबीजे के अंदर जो एफ नेम वाली जो प्रॉपर्टी है उसको प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। एफ नेम जो प्रॉपर्टी है हाँ, एफ नेम में जो ओबीजे के अंदर जो एफ नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर एफ नेम करके एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक एफ नेम करके प्रॉपर्टी है, इसको हमें करना है प्रिंट। तो अभी इसको हम लोग को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा जिसको तो ये हो जाए प्रिंट। एफ नेम हाँ, तो मतलब कैसे इसका लिखने का पैटर्न क्या है। इसका लिखने का पैटर्न, पहले तो अपन क्या बोलते हैं कॉमा, क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले हमें कौन सा कॉमा रहता है वो? वेरिएबल, नो नो, सबसे पहले हमें इसको प्रिंट करना है, हमें एफ नेम को प्रिंट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उस वेरिएबल के अंदर जाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे वेरिएबल का नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट, अगर हम लोग जब ये ओबीजे का करेंगे प्रिंट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आ जाए, ठीक है। और हम लोग को अगर इसके अंदर की प्रॉपर्टीज को, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यूज है इसको प्रिंट करना है तो हमें इसके अंदर की प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ेगा। जैसे मैं ओबीजे डॉट एफ नेम लिख दूंगा, यहाँ पे करूंगा मैं पेज को सेव, तो यहाँ पे लिख दिया गया खान सादा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे इसकी एज को प्रिंट करना चाहूंगा तो यहाँ पे इसका एज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पैटर्न है एक हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड, मतलब न्यू कीवर्ड के इस्तेमाल से हम लोग कैसे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग कैसे एक एक करके वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और फिर एक एक करके उसकी वैल्यू को कैसे हम लोग यहाँ पे पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिए पहला टॉपिक अपना। सेकंड टॉपिक अभी है हमारा
एक मिनट, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन एरे एंड डिस्प्ले ऑन वेब पेज यूजिंग फॉर लूप। मतलब एक एरे के अंदर हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको मैं कर दूं एकदम नीचे। और यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन का मतलब क्या। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम लोग कैसे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एरे के अंदर। मतलब हमारा एक यहाँ पे एरे है, ARY नाम से एरे है। इसके अंदर हमारा एरे को ओपन और क्लोजिंग कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एरे के लिए? हाँ, बड़ी वाली स्क्वायर ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट। इसको इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और इसको सिर्फ ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और एक यहाँ पे देंगे हम लोग एंटर, ठीक है। एंटर देने के बाद हमें इसके अंदर अभी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? सिंपल ब्रैकेट होती है वो। पैरेंथेसिस वाली, अभी बताया था पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग मल्टीपल ऑफ प्रॉपर्टीज बना दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफ नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे खान, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एल नेम, और यहाँ पे मैं एल नेम को दे देता हूँ, क्या दूंगा मैं एल नेम यहाँ पे दे देता हूँ शादाब। सेम ऐसे मैं यहाँ पे एक कॉमा दूंगा, हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हमें देना है कॉमा। इसके अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। वापस से मैं एफ नेम लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वापस से लेता हूँ शेख, यहाँ पे मैं दूंगा कॉमा, और यहाँ पे दूंगा मैं एल नेम विल बी हुई, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ पे हमें कॉमा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये हमारा बन गया एक सिंपल सा एरे। यहाँ पे मैं जाऊंगा, अगर इसको मैं करूंगा प्रिंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं इसको करूंगा प्रिंट तो देखना क्या हुआ होगा। अभी इसको करूंगा तो यहाँ पे मुझे बता रहे कि पहला जो हमारा इसके अंदर एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बीच में कॉमा है, फिर उसके बाद दूसरा भी बता दिया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चलाना, हाँ, और यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल करूंगा, हाँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ इसको इसी चीज को करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे देखना उसका इंडेक्स क्या रहेगा, कंसोल डॉट लॉग ARY। यहाँ पे दिखा रहे कि इसकी लेंथ बताए, हमारे दो लेंथ है इसके अंदर, पहला जो पहले नंबर पे है इसकी इंडेक्स 0 है, और इसके अंदर हम लोग देंगे तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है एफ नेम और एल नेम नाम से, और दूसरा भी खोलेंगे हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे जो एरे के पड़ी है वो एफ नेम और एल नेम है। अभी हमें अगर एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, किस चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का, ठीक है। हम लोग फॉर लूप से एरे की सारी की वैल्यू यहाँ से हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ वेरिएबल आई, हमें उसको मैं एरे को हमेशा इनिशियलाइज किस किससे स्टार्ट होगा, वो हमेशा क्या एरे के अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी वो हमेशा किस चीज से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहता है एरे का, जीरो हमेशा जीरो 0 रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आई शुड बी ग्रेटर देन, अरे लेस देन, आई शुड बी लेस देन इसकी लेंथ से, इसकी लेंथ हमें फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ARY, ARY वेरिएबल के नेम डॉट लेंथ, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे हमें देना है सेमी कॉलन, और हमें करना है आई को प्लस प्लस, ठीक है। फिर इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अभी मैं करूंगा ARY के अंदर आई को मैं करूंगा प्रिंट। मतलब एरे के अंदर सबसे पहले ये जो एरे है इसके अंदर सबसे पहले आई की वैल्यू जाएगी, आई सबसे पहले 0 है तो सबसे पहले 0 की वैल्यू जाएगी। पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे भी अभी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। क्यों ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी का नेम नहीं डाला है, ठीक है। जैसे मैं ARY के अंदर डॉट लिख के इसके अंदर मैं लिख दू एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम एफ नेम ये लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे करूंगा मैं पेज को सेव, तो यहाँ पे खान सबसे पहले वाले का खान आ गया और दूसरे वाले का शेख आ गया। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ES6 वाले फॉर्मेट में प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ बैक टिक,
डॉलर का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ARY, या पेज को सेव, और यहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ एक BR टैग, सॉरी मैं इसके अंदर ही प्रिंट कर लिया, यहाँ पे मैं करता हूँ BR टैग, तो एक एक लाइन छोड़ के आएगा खान और यहाँ पे शेख, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लास्ट नेम भी कर दू प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल LNAME, और यहाँ पे LNAME इज नॉट डिफाइंड, LNAME सॉरी, हमें इस एरे के साथ लेना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। तो हमारे ये कैसा हुआ, सबसे पहले हमने एक लूप चलाया, उसके अंदर हमने दिया आई को सबसे पहले इनिशियल वैल्यू रहेगी आई की 0, फिर आई को हम लोग चेक करेंगे कंडीशन आई बड़ा इतने 0 से, फिर i++ होगा, आई अगर 0 रहेगा और आई अगर इसकी लेंथ से छोटा रहेगा, मतलब इसकी लेंथ है 2 और ये आई आया यहाँ पे और चेक हुआ आई की 0 वैल्यू, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आया लूप के अंदर, उसने सबसे पहले किया प्रिंट और आखिर में जाके उसने किया एक ब्रेक लगाया, और फिर वो गया आई को किया इंक्रीमेंट i++, और यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे 1 आया, 1 चेक हुआ कंडीशन से कि जो आई है वो लेस देन 2 से है कि नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 इज लेस देन 2, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आया उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और सेम वही वैल्यू को उसने यहाँ पे कर दिया एरे के अंदर, अभी यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, यहाँ पे 1 1 आया, और एरे के अंदर जो 1 नंबर पे है और वो उसके अंदर जो एफ नेम है उसको कर दिया उसने प्रिंट, और सेम एरे के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे डॉट एल नेम है उसको उसने कर दिया यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझा दोनों को, सानोस्ते को समझा ये वाला, कि वापस से समझो एक बार, ठीक हाँ, आपसे समझाना। है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने सबसे पहले कंसोल लॉक कर दिया, यहाँ पे हमने कंसोल के अंदर हमारा दिख गया सारी वैल्यूज, जीरो इंडेक्स पे जो हमने एरे को करा प्रिंट, यहाँ पे कंसोल करा, यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे बता रहे कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और 1 इंडेक्स पे भी हमने एक ऑब्जेक्ट को किया स्टोर, ठीक है। अभी हमें इसको करना है प्रिंट एक एक करके इसकी वैल्यू को, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक लूप बनाया, फॉर लूप बनाया, एरे की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम लोग अक्सर करके फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हम लोग ने सबसे पहले एक आई नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसको हम लोग ने दे दिया वैल्यू 0, ताकि एरे के अंदर जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, हमने दे दिया 0। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, आई शुड बी लेस देन एरे की लेंथ से, एरे की जो लेंथ है मैं यहाँ पे, एरे की लेंथ यहाँ पे देख लो 2 है लेंथ, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 0 चेक करेगा कि ये 2 से लेस देन है कि नहीं, मतलब 0 चेक करेगा कि ये 2 से छोटा है कि नहीं, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि जो 2 है वो 0, मतलब ये जो 0 है वो लेस देन 2 के बराबर है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप के अंदर आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और हम लोग ने ES6 के अंदर फॉर्मेट में चेक करके कैसे प्रिंट होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया एरे के अंदर जो आई एस, ऐसे मैं यहाँ पे सबसे पहले बाहर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स पे है उसको कर दे यहाँ पे कंसोल, ठीक है, करूंगा मैं पेज को रिफ्रेश, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने एरे एरे के अंदर मैंने किया 0 इंडेक्स पे जो है, 0 इंडेक्स पे हमारा एफ नेम पड़ा है और एल नेम पड़ा है, ठीक है, एफ नेम है और हमारा एल नेम है, 0 इंडेक्स ये है और फर्स्ट इंडेक्स ये हमारा, ठीक है, हाँ 0 इंडेक्स पे ये हमारा और फर्स्ट नेम पे ये है, तो अभी ARY के अंदर जो 0 इंडेक्स पे है उसने कर दिया उसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर, उसने इसको कैच किया, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, 0 इंडेक्स पे डॉट एफ नेम को कर दे प्रिंट, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ नहीं तो एरर आ जाएगी, तो मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश और यहाँ पे खान निकल के आ गया, ठीक है, मैंने 0 शादा इंडेक्स क्यों पे नहीं आया लेकिन? शादाब ये एल नेम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसी अच्छा, एफ चीज नेम को लिखा तुमने। हाँ, बराबर। एल नेम लिखा मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे एल नेम, तो यहाँ पे खान भी आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे, 0 इंडेक्स पे उसने पहली प्रॉपर्टीज को एफ नेम को टारगेट कर, ठीक है, फिर हाँ, समझ सेकंड मैंने गया। लिखा एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे एल नेम को टारगेट करेगा तो शादाब लिख जाएगा, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ,
मैंने यहाँ पे एक लूप बनाया, फॉर लूप नाम से। हम लोग अक्सर करके एरे के अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फॉर के अंदर i शुड बी इक्वल टू जीरो, मैंने जीरो से चालू किया और चेक किया कि जीरो टू से छोटे कि नहीं। जीरो टू से छोटा है, कंडीशन ट्रू ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आया। अब ये डॉलर के अंदर, अभी यहाँ पे सबसे पहले हमारी जीरो है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आ गया जीरो। अभी ये क्या करेगा, ए आर वाई जीरो मतलब ए आर वाई के अंदर जाएगा, जीरो इंडेक्स पे आएगा, इधर पे आएगा वो, और इसके अंदर जाके वो सिंपल एफ नेम को कर देगा प्रिंट, खान हो गया अपना प्रिंट, ठीक है। सेम इसी के आगे मैंने दिया एक स्पेस, फिर इसके आगे डॉलर के अंदर ए आर वाई के अंदर सबसे पहले आई की जो वैल्यू क्या है, अभी जीरो है आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू अभी जीरो है, और फिर डॉट मैंने एल एम को कर दिया प्रिंट शादाब, ठीक है। अभी कंडीशन यहाँ पे हो गई, और मैंने एक लगा दिया बी आर टैग, यहाँ पे आके बी आर टैग लग गया। अभी यहाँ पे कंडीशन हो गई, मतलब यहाँ पे पूरा प्रिंट हो गया। अभी ये यहाँ पे आके वापस से i की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा, और यहाँ पे अभी i की वैल्यू हो जाएगी वन, और यहाँ पे भी हो जाएगा वन, ठीक है। और यहाँ पे जब वन हुआ चेक करेगा वन इज लेस देन टू की नॉट, और यहाँ पे वन दो से छोटा है कि नहीं, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पे नीचे आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा, और एरे के अंदर अभी आ गई वन की वैल्यू, और यहाँ पे एरे के अंदर वन के अंदर डॉट एफ नेम। अभी यहाँ पे अपना वन क्या है, ये वन है अपना, ठीक है, ये जीरो था और ये वन है। अभी इसके अंदर जो एफ नेम है इसको कर गया यहाँ पे प्रिंट, स्पेस देगा, और यहाँ पे भी आ गई वन की वैल्यू, और यहाँ पे एरे के अंदर जो वन है अभी आई के अंदर जो अभी वन की वैल्यू स्टोर है उसके अंदर जो एल नेम पड़ा है उसको कर देगा प्रिंट नॉर्मल, समझा, ठीक है। हाँ समझ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, आई, और यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ आई शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है, ये कंडीशन चलेगी। यहाँ पे हमें दे रहे एक एरर ब्रैकेट वो का, जीरो जीरो हाँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक नीचे है, चेक फॉर लूप हो में जाए जीरो फॉर। ना। यहाँ पे आएगा फॉर लूप के अंदर आई के अंदर जीरो से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल खान सा था। अब इसके अंदर जितने भी वैल्यूज तो बढ़ाएगा, जैसे मैं इसके आगे एस दे देता हूँ और कोलन लगा कर मैं दे देता हूँ 20, और नीचे वाले के अंदर भी मैं जाऊंगा कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे एस दे दूंगा 21, ठीक है। पेज को करेंगे रिफ्रेश, और हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसी चीज को हम लोग इसके आगे कर लेंगे प्रिंट, डॉलर लगा के पैरेंथेसिस लगा के ए आर वाई के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे आई, और फिर इसके आगे हम लोग लिख देंगे डॉट एज, ठीक है। ये लिखने का हम लोग करेंगे पेज को सेफ, और यहाँ पे इसके आगे एज भी निकल के आ गई है, ठीक है, एरे की इतना। लेंथ अभी कितनी है, तीन हाँ, है अभी एरे की लेंथ, तीन है एरे की लेंथ कब बढ़ेगी, ये जैसे जब एक एफ नेम जब बढ़ाएंगे। ये जीरो है और ये वन है, ठीक हाँ है। अगर एरे की लेंथ बढ़ेगी, मैंने इसको कर दिया अभी एक और बढ़ा दिया, अभी यहाँ पे एरे की लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे अभी मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे अभी एरे की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे हमें देना है कॉमा, ठीक है। तो इसको करेंगे से, अभी एरे की लेंथ तीन हो गई है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर दिखा देता हूँ वेब पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए आर वाई डॉट लेंथ, पेज को करूंगा सेव, ऊपर दिखा दे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देता हूँ, बी आर टैग यहाँ पे है। अभी एरे की लेंथ कितनी है, तीन है लेंथ, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे कैसे चलेगी, यहाँ पे जब थ्री होगा ना, जब एरे की लेंथ यहाँ पे हमारी थ्री है, ठीक है, और जब आई की वैल्यू जब थ्री होगी, ठीक है, तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। आई की हाँ वैल्यू जब यहाँ पे थ्री होगी तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, इक्वल इक्वल टू टू, नहीं, मतलब ये लेस देन थ्री करेगा तब ये कंडीशन हुआ। यहाँ पे हमने इक्वल टू, अगर इक्वल टू देंगे तब ये कंडीशन चलेगी, देख लो। और यहाँ पे एफ नेम दे रहा, मतलब ये नाम से एफ नेम यहाँ पे है ही नहीं, एरर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं देना, इक्वल टू कब देना रहता मालूम, जब हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पे इक्वल टू दे सकते हैं, अगर जीरो से स्टार्ट करें तो इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना समझा अभी एरे और इसको कैसे प्रिंट करना, ठीक है, हाँ ये वाला समझा ना। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगा ये वाला। पेज को करता हूँ अभी मैं सेफ। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल
मतलब अभी हम लोग जो हमने अभी वेरिएबल्स के अंदर हम लोग ने कॉन्स्टेंट वेरिएबल पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोग इसको यूज करेंगे एरे के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। ये चीज हमारा कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करके, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ पर्सन नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ पर्सन नाम से, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एरे के साथ करता हूँ, एरे बनाता हूँ। इसके अंदर मैं वैल्यू बना देता हूँ 10, 12, 13, 14, 15, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे नीचे प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा, क्या करूं मैं यहाँ पे प्रिंट पर्सन परसेंट, ठीक है, और मैं इसको करूंगा सेव, तो हमारे यहाँ पे 10, 12, 13, 14, 15, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या देखे थे, कॉन्स्टेंट का क्या रिक्वायरमेंट, क्या रूल है शाहनवाज बताओ मेरे को, हाँ कॉन्स्टेंट का क्या रूल है, ये जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है इसका क्या रूल है, मतलब इसकी इसको हम लोग वैल्यू क्या चेंज नहीं क्या कर सकते। हाँ इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और सेम नाम से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल नहीं बना सकते सेम नाम से, ठीक है। अगर हम लोग वापस से सेम नाम से यहाँ वेरिएबल बना जाएंगे तो नीचे हमें एरर आ जाता है कि आइडेंटिफाई पर्सन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक है, ये चीज यहाँ पे होती है। अभी अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को करता हूँ चेंज, यहाँ पे मैं पर्सन, और यहाँ पे मैं इसके अंदर वापस से जाके इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ 20, 25, 30 और 35, ठीक है, इसको मैं करता हूँ चेंज, और यहाँ पे हमें क्या यहाँ पे डिस्प्ले होकर हाई आएगा वैल्यू की, हमें एरर मिलेगा, क्या मिलेगा सानोस, हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगा कि एरर मिलेगा, एरर एरर आएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, आइडेंटिटी पर्सन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब ये बोल रहे कि ये जो वेरिएबल है हमेशा डिक्लेयर हो गया, पर लेकिन अगर मैं बोलू कि मुझे इसके अंदर मुझे चेंज करना है, इस जो ये जो एरे बना है इसके अंदर हमें चेंज करना है, या कैसे भी करके ये सेम वेरिएबल को हमें चेंज करना है, तो उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन लिखा है, हम लोग उस पर इस ये जो वेरिएबल बना है इसके पर्टिकुलर इंडेक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी पूरी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इसके हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि पर्सन के अंदर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, और मैंने बोला पर्सन के अंदर जो मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे जो 12 पड़ा है इसको रिप्लेस करके ये सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर दो, ठीक है, तो अभी हमारा फाइनल एरे क्या बन गया, 12 चेंज हो गया, इसके जगह पे ये सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें वेब पेज के ऊपर अभी क्या डिस्प्ले होके मिलेगा, 10, 20, 25, 30, 35, और उसके बाद जो वैल्यूज थी उसके 13, 14, 15, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, मैंने बोला कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो फर्स्ट इंडेक्स है हमारा, इसके ऊपर जाके ये सारी वैल्यूज को जाके रिप्लेस कर दो, ठीक है, हम लोग पूरी वैल्यू को इतना ध्यान में रखना, हम लोग पूरी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, अगर पूरी वैल्यू चेंज करने जाएंगे तो हमें ये एरर मिलेगा, ठीक है, हम लोग उसके एरे के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पूरी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है शानवास, हुजैफा, हुजैफा, शानवास ते को समझा, शानवास, नेट चले गया था अच्छा हाँ मैं बोल रहा हूँ तेरे को ये वाला समझा, वालों। हाँ कॉन्स्टेंट वाला एरे के साथ समझा, रिप्लेस कॉन्स्टेंट करने वाला ना, नाम रिप्लेस रिप्लेस करने वाला, हम लोग पर्सन के अंदर जो हमारा ये है, इंडेक्स वैल्यू पे 1 डालेंगे और अगर ये नाम इन चेंज हो जाएगा पूरा हाँ ये पूरा वैल्यू। चेंज हो जाएगा, अगर हम लोग सिर्फ वो वेरिएबल को करेंगे तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, ठीक है, हमें अगर एरे की वैल्यू को चेंज करना है तो उसके इंडेक्स का हम उसका इंडेक्स का इस्तेमाल करके हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि 0 इंडेक्स पे हमारी ये वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, तभी हमें फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट 0 के बदले अपने को 20, 25, 30, 35, 12, 13, 14, 15। हाँ ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी प्रिंट, मतलब कैसे 0 इंडेक्स पे 10 को रिप्लेस करके ये सारी वैल्यू उसकी जगह पे आ जाएगी, पूरी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है।
सेम अगर यही चीज हम लोग, ये तो हमने कर दिया एरे के साथ, अगर हम लोग ये सेम चीज ऑब्जेक्ट के साथ करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाते हैं ओबीजे, ठीक है, ओबीजे नाम से एक वेरिएबल बना लिए, इसके अंदर हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एफ नेम, ठीक है, एफ नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ खान, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एल नेम दिस सादाब, ठीक है, ये चीज दिया। अभी अगर मैं इसको करूँ ओबीजे को यहाँ पे प्रिंट, तो मुझे बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं अगर नीचे गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ बी जे, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसकी वैल्यू को ओवर राइड करने की अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ओबीजे लिखा, इसको मैं ओवर राइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ एफ नेम शुड बी शेख एंड एल नेम शुड बी हुजैफा, ठीक है, ये चीज मैंने किया। और अब मैं यहाँ पे हमें दे रहा है एरर, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, मतलब ये जो वेरिएबल हमने इसको वापस से जो असाइन करने की कोशिश करी है ये पहले से असाइन हो चुका है, अगर तुमको इसके अंदर चेंज ही करना है तो सिंपल तुम लोग क्या करो, तुम लोग यहाँ पे जाओ और यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी नेम से, एरे के अंदर हम लोग उसके इंडेक्स नंबर से चेंज कर देते हैं, पर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग उसके प्रॉपर्टी नेम से चेंज करें, जैसे मैं ओबीजे डॉट लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे एफ नेम करना है चेंज, और एफ नेम को चेंज करके मुझे करना है यहाँ पे शेख, ठीक है, और जब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे काम करता हूँ ओबीजे डॉट एफ नेम करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट आएगा, हुजैफा, हुजैफा माइक ऑन कर, हमने यहाँ पे obj डॉट एफ नेम, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अभी खान आएगा कि शेख आएगा, शेख आएगा, शेख आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने उसके, हमने क्या किया कॉन्स्टेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करा, फिर भी हम लोग उसके अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करें, मेन मोटिव ये है, हम लोग कॉन्स्टेंट वेरिएबल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं पर लेकिन उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पे एल नेम को करूँ चेंज, और एल नेम यहाँ पे लिख दू एल नेम, और यहाँ पे मैं कर दू हुजैफा, ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट अभी क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट एल नेम लिख देता हूँ, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, सादा प्रिंट होगा कि हुजैफा प्रिंट होगा, देखा। हुजैफा प्रिंट होगा, ठीक है, क्यों प्रिंट हुआ इतना समझ में आया ना, हमने उसके वैल्यू के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टीज की मदद, इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग ने उसकी वैल्यू को कर दिया चेंज, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक नया एरे भी बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग नया एरे भी डाल सकते हैं, 10 10 20, सेम हम लोग यहाँ पे उसके अंदर एरे भी डाल सकते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसका नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी उसके लिए बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे एज 20, और लेकिन इसको प्रिंट करने का एज यहाँ पे, और हम लोग उसके अंदर जाएंगे एल नेम के अंदर डॉट एज, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी प्रिंट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इतना समझा अभी तुम लोग को, इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी बना सकते हैं, और अगर तीनों को प्रिंट करना रहेगा तो शेक, और शेक को भी प्रिंट करने का और एज को भी प्रिंट करने का रहेगा, तो या शेक को भी प्रिंट करना और एज को भी प्रिंट करना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर भी हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेते हैं, और यहाँ पे ओबीजे डॉट एफ नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रेकिंग, ठीक है, शेक भी प्रिंट हो गया, एज भी प्रिंट हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पे एफ नेम दिए थे, एफ नेम को हमने कर दिया ओवर राइट शेक से, एल नेम को हमने ओवर राइट कर दिया एज से, एज को हमने कैसे प्रिंट करे, एल नेम सबसे पहले हमने ओबीजे डॉट एल नेम लिखे, हाँ और ओबीजे डॉट एल नेम एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम लोग इसको सिंपल ऐसे प्रिंट करेंगे तो हमने देखा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो बोल रहे कि इसके अंदर ओबीजे डॉट एल नेम के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, तुमको उसके अंदर जो प्रॉपर्टी एज नाम का तुमने डिफाइन करे हो उस नेम से उसको तुमको कॉल करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपल एल नेम के आगे भी डॉट लगा के
एज लिखेंगे, जैसे मैं डॉट लगाता हूँ यहाँ पे और ए लिखता हूँ एज, ठीक है, जैसे मैं पेज से हमारा एज भी प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बनाए हमले तो हमको उसके प्रॉपर्टी नेम से ही हमें कॉल करना, चाहे जितने भी, अगर एज के अंदर भी नया ऑब्जेक्ट बना रहता तो हम उसको भी उसी तरीके से कॉल करते जैसे इस तरीके से हम लोग इसको कॉल करें, ठीक है। एल नेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट है एज नाम का, हम लोग ने उसका प्रॉपर्टी नेम से कॉल करा तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। इतना समझा, सान हुआ जुजेफा, हाँ ठीक है, क्लियर है ना इतना, कि हम लोग कैसे कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं एरे के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर इन लूप, जैसे हम लोगों ने लूप पढ़े थे उसके अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और एक था फॉर इच लूप और एक था फॉर इन लूप। हम लोग ने एरे के अंदर कवर कर लिए थे। अभी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो लूप था फॉर इन लूप, उसको यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से, एक वेरिएबल, सॉरी ठीक है, ए मैं लेता हूँ पर्सन नाम से, ठीक है, पर्सन नाम से एक वेरिएबल बना लिया मैंने, थोड़ा रिलेटिव लेके चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एफ नेम, एफ नेम शुड बी खान, और यहाँ पे एफ नेम विल बी शादाब, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एज विल बी 20, और यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लेता हूँ ईमेल नाम से, और यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल भी दे देता हूँ यहाँ पे, और डॉट कॉम लगा देता हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, यहाँ पे कॉमा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। अभी हमें क्या होता था, जैसे हमें फॉरेन लूप का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट एफ नेम, ठीक है। इसी चीज को मैं वापस से नीचे लगा के एफ नेम, चार प्रॉपर्टी हम लोग चारों के लिए एक एक करके यहाँ पे, सॉरी एल नेम आएगा हमारा, एल नेम, एल नेम, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट, सेम इसको एज को भी करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और ईमेल को भी करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे ईमेल को करता हूँ पेस्ट। तो ये यहाँ पे आ गया खान आ गया, फिर सेकंड लाइन में शादाब आ गया, तो एज आ गया हमारा और ईमेल आ गया। और लेकिन अगर यहाँ पे तो हमारे चार प्रॉपर्टी, हम लोग एक एक करके इसको कर ले रहे हैं प्रिंट, और लेकिन अगर यहाँ पे चार के बदले 400 प्रॉपर्टीज रहती तो हम लोग को उसको प्रिंट करने में सुबह से रात हो जाती। इसी चीज को कम करने के लिए, हमारा टाइम को कंज्यूम करने के लिए एक लूप बना है हमारा फॉर लूप। मतलब अगर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, उसको एक दो से तीन लाइन के अंदर प्रिंट करने के लिए फॉर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं। अभी उसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर, ठीक है, फॉर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक देंगे ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक इसको याद कर लेना, ठीक है, फॉर इन लूप को लिखने का याद कर लेना। सबसे पहले फॉर लिखेंगे, एक ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे इन, ठीक है, ये हो गया फॉर इन, ठीक है। फिर इसके इन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक डिक्लेयर करना पड़ेगा एक वेरिएबल, जो कि काम करेगा ये की, जो मतलब ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ मैं वी ए आर नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की, और इन के बाद आएगा हमारा, इन के राइट हैंड साइड पे आएगा हमारे इस वेरिएबल का नेम जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर इन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये प्रॉपर्टीज का नेम आएगा, जो कि स्टोर कर रहा है ये सारे प्रॉपर्टीज का नेम, एफ नेम, एल नेम, एज, ईमेल, ये सारे स्टोर कर रहे हैं, और पर्सन के अंदर ये सारी इसकी वैल्यूस आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें देना है पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर जाने के बाद हमें लिखना पड़ेगा, अगर हम इसको करना है प्रिंट, हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसको ES6 के फॉर्मेट में करते हैं प्रिंट। यहाँ पे मैं बैक टिक का इस्तेमाल करता हूँ, दो बैक टिक दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे दो बैग टिक दिया हूँ, एक मिनट, दो बैग टिक दिया यहाँ पे। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसके अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टीज नेम डिफाइन, मतलब इसके अंदर सारी अभी हमारी प्रॉपर्टीज के सारे नेम आ गए, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ सारी की को प्रिंट करता हूँ अपने पेज को, मतलब सारे प्रॉपर्टी नेम को मैं करता हूँ प्रिंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर पैरेंथेसिस और इसके अंदर मैं लिखूंगा की की, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बी आर टैग लेके चलता हूँ, ताकि जैसे हमारे एक की प्रिंट हो एफ नेम, उसके बाद एक बी आर टैग चले, फिर उसके बाद हमारा एल नेम प्रिंट हो, पेज को अंदर सेव। यहाँ पे हमारा एफ नेम आ गया, एल नेम आ गया, एज आ गया, ईमेल आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी अभी वैल्यू को प्रिंट कराना है। जो एफ नेम की वैल्यू है खान, वो हमें प्रिंट कराना है, और एल नेम की प्रॉपर्टी ऐसी, एज की भी प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू प्रिंट कराना है, ऐसे सेम ईमेल जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को हमें कराना है प्रिंट। वो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले अब मैं चाहता हूँ जो एफ नेम है, इसके बाद है एक कॉलन यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा एफ नेम के बाद एक कॉलन, ठीक है। फिर इसके बाद मैं करूंगा डॉलर लिखूंगा मैं, और यहाँ पे दूंगा मैं पैरेंथेसिस, और इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेरी सारी वैल्यू इस पर्सन नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये पर्सन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन, एक मिनट, ये पर्सन लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें की लिखना पड़ेगा। एक एक करके ये लूप चलेगा। ये पर्सन आया, सबसे पहले एक की प्रिंट हुआ, यहाँ पे एफ नेम आया। अभी ये पर्सन के अंदर एक हम लोग ने लिया स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इसके अंदर हमें की लिखना पड़ेगा, ताकि एक एक करके हर एक लाइन के बाद हमारा जो की है, जैसे इसकी के अंदर सबसे पहले वैल्यू आएगी एफ नेम, वो इसकी के अंदर आएगी एफ नेम की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगी प्रिंट। सेम ऐसी जैसी लूप खत्म होगा वापिस से जाएगा, ये सेम प्रिंट होगा, और की के अंदर दूसरी बार आएगा एल नेम, यहाँ पे आ जाएगा एल नेम, फिर पर्सन के अंदर जो एल नेम है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पेज को करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे पहले बोल रहा है एल नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे की का इस्तेमाल करूंगा, और जैसे मैं पेज को करूंगा सेफ, यहाँ पे आ गया हमारी सारी वैल्यू होके प्रिंट। एफ नेम आ गया खान, एल नेम आ गया सादा, एज आ गया 20, ईमेल आ गया ये, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज को ऐड करते जाऊंगा, तो मुझे उसको अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वो लूप के अंदर ऑटोमेटिकली आके प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फेवरेट मूवी लिख देता हूँ, मैं फेवरेट मूवी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शोले लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैं जैसे कहूंगा पेज को सेव, यहाँ पे मुझे उसका प्रॉपर्टी नेम आ गया, और यहाँ पे वो जो उसकी वैल्यू थी वो होके आगे प्रिंट। सेम ऐसे अगर ये वैल्यू, जैसे मैं ईमेल को मैं 20 से 30 बार कर लेता हूँ प्रिंट यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्या होगा, हमारे हमारे प्रिंट करने की लाइन एक ही है, तीन लाइन हमारे प्रिंट करने के लिए, पर लेकिन इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्ट हो जाएगी प्रिंट। यहाँ पे सबसे पहले ईमेल, सॉरी ये ओवरराइड कर रहा था, ठीक है। तो मतलब अगर डिफरेंट नेम के साथ जितने भी ईमेल रहेगी वो यहाँ पे हो जाएगी प्रिंट। जैसे इसके नीचे मैं एक और लेता हूँ, मैं हॉबी लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कोलन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गेमिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसके नीचे हॉबी आ जाएगी, हमें उसको अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ तीन लाइन का कोड लिखना पड़ा हमें, और उसकी मदद से हमारा जितनी भी प्रॉपर्टी उस वेरिएबल में पड़ी रहेगी वो एक एक करके सारी हो जाएगी प्रिंट, ठीक है। समझा ये वाला शाहनवाज हुजैफा, समझे? ठीक है। ये वाला इजी था कि हार्ड था ये वाला? हार्ड था थोड़ा, हार्ड था, पर लेकिन थोड़ा इजी लगा ना, इसको प्रैक्टिस करना, नहीं समझेगा तो वापस से पूछना, ठीक है। फॉर इन लूप यहाँ पे होता है हमारा खत्म। इसके बाद आता है अभी हमारा मैप मेथड, ठीक है। मैप मेथड क्या करता है, मैपिंग करने का काम करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक करता हूँ मैं मैपिंग, मैपिंग मतलब जो उसको वैल्यू दिए रहेंगे वो सिंपल हर एक जो उसके अंदर प्रॉप, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे नंबर नाम से, इसके अंदर मैं एरे की वैल्यू को स्टोर करता हूँ। 10 लिखता हूँ मैं, सॉरी 10 नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन एंड टेन, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया नंबर नाम से। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट नाम से, और फिर मैं यहाँ पे मैप मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। मैप क्या है, एक मेथड है, मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं या तो फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नम वेरिएबल को मैं करता हूँ टारगेट, और इस नम वेरिएबल पे मैं लगाता हूँ अपना मैप मेथड, ठीक है। मैप मेथड क्या बोलते हैं, कॉल से डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न एन एरे डेट कंटेन द रिजल्ट। मतलब ये मैप मेथड क्या करता है, एक फंक्शन का इस्तेमाल करेगा, उस फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी कंडीशन या जो भी चीज प्रिंट या रिटर्न कर लेंगे, वो सिंपली हर एक एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी उससे वो कंपेयर करेगा। अगर वो चीज सिमिलर मिल गई तो वो सिंपली उसको कर देगा, इस वेरिएबल में लाके उसको कर देगा स्टोर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ, ये बता भी रहा है, ये वीएस कोड अपना बता भी रहा है, फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू थ्री आर्गुमेंट द मैप मेथड कॉल द कॉल बैक इन फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे बोले कि एक फंक्शन बना रहे, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन, और हमारा कौन सा फंक्शन रहेगा, एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं रहता है, ये सिंपली मैं उसको बना के यहाँ पे पैरेंथेसिस देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ एक एंटर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को करता हूँ रिटर्न, इसके अंदर मैं कर लूंगा रिटर्न, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा मैं। और रिटर्न में क्या करूंगा, सबसे पहले हमें इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो इस नम की एक एक वैल्यू को करेगा, यहाँ पे लेकर आएगा और कंपेयर करने का काम करेगा। मैं इसके अंदर एक फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले लेता हूँ, जैसे मैं ए आर जी मतलब आर्ग्यूमेंट एक लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए आर जी को मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ए आर जी जो है वो यहाँ पे आए, और इसके अंदर जो ए आर जी है वो हमेशा मल्टीप्लाई हो टू से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा कोलन दूंगा, सेमी कोलन दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नम के अंदर जो मैप है एक एक करके सबसे पहले वन आएगा, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर आएगा, इस मेथड के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर ए आर जी के अंदर जाएगा वन, और यहाँ पे सबसे पहले भी वन जो आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू पड़ी है वन, यहाँ पे आएगा वन, और यहाँ पे वन मल्टीप्लाई तो वन इंटू टू टू होगा, और टू इस वेरिएबल के अंदर हो जाएगा स्टोर एरे के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा नम के अंदर जाएगा, फिर टू को उठाएगा, टू की वैल्यू यहाँ से उठाएगा, टू को यहाँ पे सबसे पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर डालेगा, फिर टू को यहाँ पे भी डालेगा, और टू मल्टीप्लाई बाई टू हो जाएगा फोर, उसको कर देगा रिजल्ट नाम के एरे के अंदर एक एक करके वो इंक्रीमेंट करते जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसी चीज को करता हूँ, मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को करूंगा मैं प्रिंट, जो कि है एरे डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। करूंगा सेव, यहाँ पे आ गया टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हो गई प्रिंट, ठीक है। सिंपली मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं टू का टेबल हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, ठीक है। ये समझा सानवर्स, समझा, ठीक है। मैप के अंदर हम लोग ने एक फंक्शन बनाया जो कि है एनोनिमस फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर हम लोग ने पैरामीटराइज फंक्शन बनाया, पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर हम लोग ने एक वेरिएबल ए आर जी नाम से ले लिया आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिर इसके अंदर गए हम लोग ने एक बनाया पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग गए रिटर्न, हम लोग कर रहे हैं ए आर जी को, हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय टू कर रहे हैं, मतलब ये जो नम नाम का वेरिएबल है इसके जितने भी आर्ग्यूमेंट थे, मतलब इसके अंदर जितने भी वैल्यूज है एक एक बार जाके इस आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई होके इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में एरे के फॉर्मेट के अंदर जाके ये हो जाएंगे सेव, ठीक है। और हम लोग सिंपली उसको कर रहे हैं प्रिंट यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ रिजल्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ फोर को करना है प्रिंट तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कितना इंडेक्स देना पड़ेगा इसको, फोर को सिर्फ अगर करने का रहेगा हाँ सिर्फ फोर को प्रिंट करना है हमें, तो हम लोग इंडेक्स नंबर कितना देंगे एरे थ्री फॉर्मेट में, थ्री सिर्फ ये फोर को हमें करना है प्रिंट, ये जो फोर है सिर्फ हमें, और ये वैल्यू इसके अंदर स्टोरेड रिजल्ट के अंदर, ठीक है। हाँ
तो हमें यहाँ पे सिर्फ 4 को प्रिंट करना है, तो हमें इंडेक्स नंबर कितना देना पड़ेगा यहाँ पे? एरे का इंडेक्स कितने से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 से। और ये 4 कितने इंडेक्स नंबर पे है? ओपन करना, वो वेरिएबल नम को देख रहा था। अच्छा हाँ, नहीं मतलब ये 0 मतलब ये 4, हाँ और हम लोग ने ये रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पे किया प्रिंट, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 है इसको कर दो प्रिंट, सिर्फ 4 को करना है प्रिंट। तो यहाँ पे मैं कितना इंडेक्स नंबर दूंगा? यहाँ पे अपन देंगे 0.1। 0.1, सिर्फ मुझे 4 को करना है प्रिंट, सिर्फ एक वैल्यू। एरे के अंदर हम लोग जैसे एक एक वैल्यू करते थे प्रिंट, जैसे मुझे 2 इंडेक्स को प्रिंट करना है, 2 जो लिखा है, तो हम लोग कैसे 1 दे देते हैं। हाँ सिर्फ ऐसे रिजल्ट के अंदर हमारी ये सारी वैल्यूज पड़ी है, और मुझे चाहिए ऐसे मुझे ये 4 की वैल्यू को करना है प्रिंट, तो मुझे रिजल्ट के अंदर कितना इंडेक्स देना पड़ेगा? कौन सा इंडेक्स नंबर दूं अभी मैं? 0 दू, 1 दू, 2 दू, 3 दू, कितना दू? ताकि 3 दू, ठीक है 3 देता हूँ। तब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या प्रिंट होके आता है। 0, 1, 2, 3, यहाँ पे 8 प्रिंट होके आ जाएगा। मुझे चाहिए था 4, वहां पे 8 प्रिंट होके आया है। 4 को प्रिंट करना है तो ना, कैसे 8 वन वन1 देना पड़ेगा ना हमें? वही तो बोला था पहले। हाँ, तो यहाँ पे 4 निकल के आ गया, ठीक है। और हम लोग इसको सिंपल फॉर लूप की तरीके से एक एक लाइन देख के भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आई दे दे यहाँ पे 0, आई को मैं यहाँ पे मैं आई लिखूंगा, और इसको मैं लेस देन चेक करूंगा रिजल्ट के लेंथ के साथ, रिजल्ट डॉट लेंथ, मतलब रिजल्ट की जितनी लेंथ रहेंगी उतनी बार लूप चलेगा। और मैं कर दूंगा यहाँ पे आई को प्लस प्लस, और सिंपल मैं यहाँ पे जाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, और इसके अंदर मैं कर दूंगा, और क्या करूंगा मैं इसके अंदर रिजल्ट के अंदर जो हमारी आई की वैल्यू पड़ी है वो सारी को कर दे प्रिंट, और हर एक वैल्यू के बाद एक एक br टैग दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लाइन में 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे फॉर्मेट में अपना आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेव, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20, ठीक है, इस फॉर्मेट में ये हमारा आ गया है, ठीक है। ये समझा अभी हम लोग कैसे मैप मेथड का, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं, हम लोग कोई सा भी ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ ARG को, करता हूँ कंपेयर 2 के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे ARG को कंपेयर करता हूँ, मतलब यहाँ पे कैसा हमारा आर्ग्यूमेंट चलेगा, मतलब ये फंक्शन कैसा चलेगा। हमने बोला जो ARG के अंदर जब 2 की वैल्यू आएगी, जब वो इक्वल टू 2 करेगी, तभी वो वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर हो और उसको कर दे यहाँ पे प्रिंट। जैसे मैं इसको करूंगा सेफ, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू, मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा हमें बूलियन के अंदर वैल्यू देता है। उसने क्या किया, सबसे पहले वो आया आई, सबसे बोला आया 1 को चेक करा, 1 को चेक करा कि 1 जो है वो इक्वल टू 2 है कि नहीं। उसने फॉल्स रिटर्न किया, जाके रिजल्ट के अंदर उसने कर दिया स्टोर फॉल्स, ठीक है। उसने वापस 2 को लेकर आया, उसने वापस यहाँ से आर्गुमेंट में डाला, यहाँ पे आर्गुमेंट चेक हुआ 2 = 2, कंडीशन हुई ट्रू, इसने यहाँ पे बता दिया ट्रू, और उसके बाद की सारी कंडीशन वैसे वैसे चलते रहेगी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई से भी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कंडीशन हमें जिस भी तरीके से कंडीशन देनी है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंडीशन को दे सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 + 2 = 3 हो गया, फिर 2 + 2 = 4 हो गया, 3 + 2 = 5 हो गया, ऐसे करके हम लोग कोई सा भी ऑपरेटर, कोई सा भी ऑपरेटर, एरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, कोई भी ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है। मैप मेथड समझा तुम लोग को, ठीक है। हाँ इसको प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं समझेगा तो सिंपल मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम लोग को बता दूंगा। अभी यहाँ पे मैप मेथड खत्म होने के बाद हम लोग का यहाँ पे अभी स्टार्ट होता है स्ट्रिंग के मेथड्स। स्ट्रिंग के टोटल 23 मेथड्स हैं, एक एक करके मैं उसको एकदम फास्ट एकदम बता देता हूँ, ठीक है।
लेंथ तो तुम लोग को पता ही होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना है हम लोग ने ए नाम से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खान कुछ भी, मतलब मैं इसके अंदर वैल्यू को कर देता हूँ स्टोर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखूंगा ए डॉट। ठीक है, प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है तो हमेशा हम लोग डॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर मैं लिखूंगा लेंथ, और जैसे मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, यहाँ पे मुझे बता दिया इसकी लेंथ कितनी है। जैसे ये पूरा जितना भी है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22। ठीक है, 32 पूरे इसकी एक ही लेंथ है। ये हम लोग ने सिंपल इस लेंथ नाम के प्रॉपर्टी से पता लगा लिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब ए टू लोअर केस, लोअर केस और अपर केस तो पता ही होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम पूछिए कि ये लोअर केस में हो जाए, सारी इसकी जितने भी स्ट्रिंग है ये लोअर केस में हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लोअर केस, और यहाँ पे देंगे हम लोग ब्रैकेट का निशान, क्योंकि ये है एक मैथड। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, और इसके बाद जितने भी है वो सारे मैथड्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा डॉक्यूमेंट, क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे देना पड़ेगा ब्रैकेट यहाँ पे, और आखिरी में जाके करना पड़ेगा ब्रैकेट को क्लोज। पेज को करूंगा रिफ्रेश, तो जो खान का के था वो था अपर केस में, अब वो हो गया लोअर केस में, सारी इसकी वैल्यूज लोअर केस में आ गई। सेम यही चीज चलेगा इसके लिए भी, अपर केस के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को टू अप लोअर केस से हटा के हम लोग को लिखना पड़ेगा टू अपर केस। ठीक है, और पेज को करने सेव, तो ये जो खान है ये पूरा हो जाएगा अपर केस के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल आसानी से समझ में आ जा रहे हैं। ठीक है, लोअर केस अपर केस समझ गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं इंक्लूड्स, जैसे हम लोगों ने एरे के अंदर देखे थे इंक्लूड मैटर क्या करता है, वैसे सेम स्ट्रिंग के अंदर भी ये सेम काम करेगा। ठीक है, इंक्लूड मेथड क्या था, इंक्लूड मेथड हमारा केस सेंसिटिव था, और ये हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू को रिटर्न करके देता था। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लिया मैंने यहाँ पे खान नाम से, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए को नीचे प्रिंट, और सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके ए डॉट इंक्लूड लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं कोई भी आइटम सर्च करता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ खान, ठीक है, सेम टू सेम मैचिंग करेगा, और अगर सेम रहेगा, सबसे पहले इसको हमें करना पड़ेगा एक वेरिएबल में स्टोर। ठीक है, मैं जाता हूँ इसको एक वेरिएबल में कर देता हूँ, बी नाम के वेरिएबल में कर देता हूँ इसको स्टोर, यहाँ पे मैं बी नाम के वेरिएबल में इसको कर दिया स्टोर, और ये हमें देगा अभी ट्रू रिटर्न देगा, क्योंकि ये सेम टू सेम मैच कर गया। ठीक है, खान खान यहाँ पे सेम टू सेम मैच कर दिया। अगर मैं इसका के को करूंगा छोटा, तो अभी है ये मुझे क्या आउटपुट में देगा, ट्रू देगा कि फॉल्स देगा, अभी ये हाँ, मुझे क्या रिटर्न में देगा, फॉल्स अभी ये फॉल्स देगा ना, देगा, क्योंकि क्यों फॉल्स देगा ये, ये खान बड़ा है ए में। क्योंकि ये ए नाम का जो वेरिएबल इसके अंदर जो के है ये बड़े में है, मतलब बड़े में अपर केस में, उसका जो के है ये लोअर केस में, मैचिंग नहीं करा, क्योंकि इंक्लूड फंक्शन जो है वो बुलियन केस है। सेंसिटिव है, और वो अच्छा। हमेशा ट्रू और फॉल्स के अंदर रिटर्न देता है। ठीक है, मतलब बुलियन वैल्यू रिटर्न देगा। पेज को कैसे करूंगा मैं सेफ, यहाँ पे मुझे दे दिया फॉल्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जैसे सिर्फ एक वैल्यू भी सर्च करते हैं ए एन, मतलब अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई एक वैल्यू भी अगर उसको मिल गई, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ ए को सर्च करता हूँ, ठीक है, और उसको पूरे स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे भी ए मिल गया, जैसे मैं यहाँ पे ए लिखा और उसको ए मिल गया, जैसे के एच ए है, यहाँ पे मैंने जैसी तरह सेफ ट्रू रिटर्न दे रहा। अब मैं ऐसी वैल्यू लिखता हूँ उसकी जो एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो वो मुझे क्या रिटर्न में देगा, माइनस फॉल्स। में नहीं, हाँ फॉल्स देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, ऐसी वैल्यू लिखा जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यहाँ पे मैं जैसे एक और कोई सादा लिख रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये स्ट्रिंग के अंदर वो है ही नहीं, हम लोग क्या लिखे ए डॉट इंक्लूड, और ब्रैकेट में हम लोग ने स्ट्रिंग पास कर दिया सादा जो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे करूंगा पेज को सेव, फॉल्स रिटर्न किया गया, और जैसे मैं अगर जो वैल्यू एग्जिस्ट करते वो लिखूंगा, तो हमें मिल गया यहाँ पे ट्रू। ठीक है,
इंक्लूड भी समझ गया होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट विथ और एंड विथ। तो इसके अंदर कैसा रहेगा हमारा, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेम इसी को मैं उठा के यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और उसको मैं करता हूँ एंड, और यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ा स्पेसिंग देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा खान सादा आलम, ठीक है, ये चीज मैंने लिखा। अभी हम लोग यहाँ पे जब स्टार्ट विथ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट विथ मेथड क्या बोलते हैं हमें कि वो स्ट्रिंग के अंदर जो जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है अगर वो मैचिंग मिल गया, जैसे मैं यहाँ पे खान लिखा हूँ ये उसको मैचिंग मिल गया, और जैसे मैं पेज को से ये मुझे ट्रू रिटर्न दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट विथ के अंदर बीच में कोई लेटर, जैसे मैं यहाँ पे सादा को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ये मुझे दे रहा है फॉल्स, ठीक है, और मैं लास्ट का जो भी आलम भी उसको भी अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, पेज को कहूंगा सेफ, ये मुझे दे रहा है फॉल्स। इसके अंदर मतलब कैसे, अगर स्टार्ट मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो पहला लेटर है अगर वो उसके अंदर उसको मिल गया तो उसको ट्रू रिटर्न देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न देगा। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ के लिखूंगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न देगा, ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर के आगे भी कुछ लिखूंगा, के एच ए लिख दूंगा तो भी ये मुझे ट्रू रिटर्न देगा, ठीक है, और अगर मैं कोई ऐसा वैल्यू लिख दूंगा जो स्टार्ट विथ में है ही नहीं, मतलब वो स्टार्टिंग नहीं हो रही, ए एन लिख दिया मैंने, मतलब के एच नहीं लिखा, मैंने ए एन लिख दिया, पेज को कहूंगा से फॉल्स आ गया, ठीक है। स्टार्ट विथ का मतलब जो स्ट्रिंग है अगर उसकी स्टार्टिंग मैच कर गया इससे तो वो तुमको ट्रू रिटर्न देगा, अगर मैचिंग नहीं मिली तो तुमको फॉल्स देगा, ठीक है। सेम यही काम हमारा, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में ये के एच भी लिख देता हूँ खान, और उसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं एंड विथ का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ, ठीक है। एंड विथ का क्या करेगा, जैसे स्टार्ट विथ के अंदर वो पहला लेटर चेक करता था, एंड विथ के अंदर वो लास्ट कैरेक्टर चेक करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एम लिख दूंगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो हमारा कैरेक्टर था, जो हमारा वेरिएबल था, उसके अंदर मैंने एंडिंग का लेटर लिखा एम, तो मुझे ट्रू रिटर्न देगा। अगर मैं पूरा होल लेटर लिखूंगा तो मुझे ट्रू रिटर्न देगा, तो फिर भी ठीक है, और अगर मैं कोई ऐसा लेटर लिख दूंगा जिससे वो स्टार्टिंग भी नहीं है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ एम, जैसे लास्ट में एम है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा डॉट, ठीक है, इसके अंदर डॉट है नहीं, पर लेकिन मैंने अपने एंड विथ के फंक्शन के अंदर डॉट लगा दिया, तो ये मुझे देगा फॉल्स, क्योंकि डॉट मैचिंग नहीं किया, करेक्ट, ये भी केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसके अंदर मैं ए एल ए एम लिखूंगा, ऊपर हमारे वेरिएबल ए के अंदर भी आलम है, पर लेकिन हम लोग एंड विथ के अंदर लोअर केस के अंदर आलम को कर रहे हैं प्रिंट, जैसे मैं करूंगा पेज को सेव, ये मुझे देगा फॉल्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, स्टार्ट विथ भी केस सेंसिटिव है और एंड विथ भी हमारा केस सेंसिटिव है, ठीक है। पेज को करूंगा सेफ, यहाँ पे हमें मिल गया, और यहाँ से अगर मैं डॉट को हटा देता हूँ तो यहाँ पे हमें अभी देगा ट्रू रिटर्न देगा, ठीक है। एंड विथ और स्टार्ट विथ समझा, ठीक है। ये होने के बाद अभी हमारा आता है यहाँ पे सर्च। सर्च में क्या बोलता है, सबसे पहले जो सर्च है वो हमें इंडेक्स रिटर्न करके देगा, और जो सर्च है वो भी केस सेंसिटिव है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ एक ए नाम से, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर दे देता हूँ सादा, और यहाँ पे खान, ठीक है, और जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं बी नाम से, और यहाँ पे मैं ए डॉट सर्च का इस्तेमाल करता हूँ, फाइंड द फर्स्ट सबस्ट्रिंग मैच इन ए रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च, ठीक है। जैसे मैं सर्च का इस्तेमाल करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ मैं इसके अंदर, और जैसे मैं कोई भी लेटर यहाँ पे सर्च करूँ, जैसे मैं पूरा होल लेटर सादाब सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा। जैसे मैं अभी नीचे जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा बी को प्रिंट, तो ये मुझे क्या निकाल के देगा, जीरो इंडेक्स, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स है, मतलब ये सबसे पहले एस को चेक करेगा कि ये जो एस है ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये मुझे जीरो निकाल के दे देगा।
अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा लेटर लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे SHAD, जैसे मैं चाहता हूँ डी प्रिंट हो जाए और मुझे डी का इंडेक्स मिल जाए, तो मैं यहाँ पे डी लिखूंगा, जैसे करूंगा सेव, यहाँ पे ये मुझे डी का इंडेक्स निकाल के दे दूंगा, ठीक है। फिर जैसे मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, उसको जैसे ए यहाँ पे 3 बार है, ठीक है, एक ए यहाँ पर है, एक ए उसके बाद है, और एक ए यहाँ पे खान के अंदर, ठीक है। सबसे पहले वो स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना चालू करेगा, ठीक है, SHA, जैसे उसको ए मिलेगा वो उस चीज को कर देगा प्रिंट, और उसके बाद जितने भी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पड़ी रहेंगी उसको वहीं पर वो टर्मिनेट कर देगा, वो सारी चीज को प्रिंट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे उसने मुझे 0 पे पढ़ा है, SH पे पढ़ा है 1, और ये A पे पढ़ा है 2 इंडेक्स, ठीक है, उसने इंडेक्स नंबर मुझे निकाल के दे दिया, ठीक है। ये हमारा सर्च का काम। उसके बाद आता है हमारा मैच कीवर्ड, अरे मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन सर्च ऑल एलिमेंट इन स्ट्रिंग एंड आफ्टर मैचिंग इट इट मेक अ एरे, ठीक है, मतलब जैसे आइटम को सर्च कर लेगा वो स्ट्रिंग के अंदर, वो एक एरे के फॉर्मेट के अंदर उसको सेव करके उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ उसको अनकमेंट, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। और मैं इसके अंदर से चाहता हूँ एक, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बी बना लेता हूँ, बी बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके अंदर ए के अंदर मैं सर, अरे मैच कीवर्ड का, मैच फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। मैचेस स्ट्रिंग विद रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिटर्न एन एरे कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ दैट सर्च, ठीक है। मैच मेथड क्या बोलता है, इसके अंदर तुम जो भी चीज को तुम लोग सर्च करोगे, जैसे मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं, जैसे मैं शादाब खान को हटा के कोई लंबा सेंटेंस लिख देता हूँ जिसके अंदर मुझे मैचिंग करने लगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावा SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। इसके अंदर से मैंने सर्च किया इसको, और मैं नीचे जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, और मैं प्रिंट करता हूँ बी को। जैसे मैं बी को करूंगा प्रिंट, उसने एरे बनाया, ठीक है। एरे को जाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं, टाइप ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बजा दिया ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये एक एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट होते मिल गया हमें, ठीक है। पर लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे, जैसे एक हम लोग यहाँ पे इसका पढ़े थे, मैचेस अ स्ट्रिंग विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब क्या हुआ इसका, रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ, रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि कोई एक एक्सप्रेशन, मतलब ये तो एडवांस जावास्क्रिप्ट का मतलब है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, और इसके आगे एक और सेंटेंस है, एंड इट इज हेल अरे है इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट इज अ पॉपुलर लैंग्वेज एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका इस्तेमाल 2 बार हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी एक बार इसका इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे भी एक बार इसका इस्तेमाल हुआ है। पर लेकिन जब मैं उसको कर रहा हूँ मैच, तो मुझे सिर्फ एक ही इस निकाल के रहा, ठीक है, इस यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही इस निकाल के दे रहा है, जैसे मुझे ये सिर्फ ये वाला इस निकाल के दे रहा है। पर लेकिन मेरा क्या बोलना है कि मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी इस मैच कर रहे हैं इससे वो सारे एक एरे के अंदर कन्वर्ट होके आ जाए, मतलब मुझे यहाँ पे इसके जितने भी इस रहेंगे वो सारे एक वेरिएबल में स्टोर होके यहाँ पे प्रिंट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम लोग, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग आगे चल के जानेंगे जब हम लोग एडवांस जावास का एडवांस जावास्क्रिप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का बारे में भी पढ़ेंगे। पर लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक कमांड बता देता हूँ जिससे हम लोग मैच मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल स्लैश लिखूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन का डबल स्लैश लिखूंगा, ठीक है, और इसके अंदर मुझे जो चीज सर्च करनी है पूरे स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मुझे इसके अंदर से चेक करना है कि जो इस है वो कितनी बार है वो स्ट्रिंग के अंदर, तो
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई एस इस, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है पूरा ग्लोबल, मतलब पूरा ग्लोबली इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे पूरा स्ट्रिंग सर्च करना है। तो यहाँ पर मुझे आगे इसके लिखना पड़ेगा जी, ठीक है जी, इसके लिए क्योंकि ये जी स्टैंड फॉर ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, तो यहाँ पे मुझे इस पेज के अंदर मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी इस इस्तेमाल हुए वो सारे इस इसके अंदर हो जाएंगे स्टोर, और हम लोग ने सिंपल उसको कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसको कर दिया यहाँ पे प्रिंट। इस यहाँ पे दो बार है तो यहाँ पे दो बार होके आ गया प्रिंट। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक और इस लिख दूँ तो यहाँ पे तीन इस हो गया हमारा, तो यहाँ पे तीन इस आ गया, और जैसे मैं एक और इस लिखूंगा चार इस, मतलब टोटल इसके अंदर चार इस है, चारों के चारों इस यहाँ के अंदर प्रिंट होके आ गए, ठीक है। ये है हमारा मैच मेथड, मतलब जितनी बार भी उसको जितने स्ट्रिंग के अंदर जितनी बार वो मैच करेगा वो उसको वो एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएगा एरे के फॉर्मेट में, उसको वेब पेज के ऊपर सिंपल प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हो गया मैच मेथड। इसके बाद आता है हमारा इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये सेम अरे हम अपना एरे की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो मैं ये दो चीज इसके अंदर नहीं बताता हूँ, हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको तो हम लोग एरे की तरह सेम एरे का लेक्चर हम लोग देखेंगे, एरे के अंदर समझेंगे इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है। इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग का फर्स्ट जो भी इंडेक्स दिया रहेगा वो इंडेक्स पे जाके वो आइटम को उठा के उसकी वैल्यू को कर देगा प्रिंट, और लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब स्ट्रिंग के लास्ट के अंदर से उसको कर देगा प्रिंट, ठीक है। और अभी इसके बाद आता है हमारा रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे सेम इसी स्ट्रिंग को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा लेंथ कर लेता हूँ कम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट इज ए पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाओ बी नाम से, इसके अंदर तुम क्या करो ए के अंदर एक मेथड लगाओ रिप्लेस नाम से, ठीक है। रिप्लेस मेथड क्या करते हैं, रिप्लेसेस ए टेक्स्ट इन ए स्ट्रिंग यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन और सर्च स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन वाला देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रिप्लेस लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर दो पैरामीटर जाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमें किस चीज को रिप्लेस करना है, और दूसरा पैरामीटर हमारा आ जाएगा हमें किस चीज से उसको रिप्लेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे जावा स्क्रिप्ट को चेंज करना है, जैसे मैं फर्स्ट पैरामीटर के अंदर पास कर रहा, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को रिप्लेस करके कर दो इसको कन्वर्ट PHP के अंदर, ठीक है। और नीचे जाकर सिंपल इसको कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी। तो यहाँ पे मुझे ये बता अभी हमारा यहाँ पे क्या डिस्प्ले होके आएगा, ठीक है शानवास बता मेरे को। PHP पूरा सेंटेंस बता क्या लिख के आएगा। PHP इज ए पॉपुलर लैंग्वेज, हाँ PHP इज ए पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ उसके आगे एंड इट इज इजी टू लर्न, ठीक है। अभी जब मैं इसको करता हूँ सेव, और मैंने इसके अंदर बोला कि इसकी जगह यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस होके आ जाए R, A R E R, जब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश रिप्रेस अरे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल एक मिनट यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट आ रहे पॉपुलर लैंग्वेज। हमने सबसे पहला जो हमारा इस था उसको कर लिया हम लोगों ने प्रिंट, मतलब इसको कर दिया सबसे पहला जो हमारा इस था उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया आर से। पर लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी इस है उसको रिप्लेस कर दें आर से। सबसे पहला स्ट्रिंग के अंदर जो इस था उसने कर दिया रिप्लेस आर से, पर लेकिन एंड इट इस ये जो इस है ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको चेंज करने के हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे सानवर्स। कौन सा इसको मतलब जो मल्टीपल इस मतलब मल्टीपल कैरेक्टर से कैरेक्टर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ने वो मैच के अंदर देख लेते, ठीक है। यहाँ पे अंदर मैच के अंदर एक मिनट
यहाँ पे मैथ्स के अंदर हम लोग देखे थे, जैसे यहाँ पे डबल स्लैश लिखे थे और उसके अंदर इस लिखे थे, तो उसने जितना भी इस ये स्ट्रिंग के अंदर जितना भी इस था उसको उसने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो सेम ऐसे अगर हमें यहाँ पे इसके अंदर जितने भी इस है उसको चेंज करना है A R E R से, तो मुझे यहाँ पे उसको किस पैटर्न में लिखना पड़ेगा, कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा एडवांस जावास्क्रिप्ट का। ARE, IH लिख देंगे, हो जाएगा। हाँ, तो हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। हाँ रेगुलर एक्सप्रेशन अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपन एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ सिर्फ मैं एक सिंपल कमांड बता देता हूँ, यहाँ पे हमें डबल स्लैश लिखना है और उसके अंदर हमें जिस चीज को चेंज करना है, ठीक है। मुझे IS मतलब जितनी बार भी ये ए नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी स्ट्रिंग के अंदर IS स्ट्रिंग आ रहे हैं उसको चेंज करना है ARER से, ठीक है। और मुझे चेंज किस पैटर्न में करना है, ग्लोबली। ग्लोबली चेंज करना है तो यहाँ पे जी लगा हमें दो। के बाद जी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, तो यहाँ पे लिखा गया जावास्क्रिप्ट आर ए पॉपुलर लैंग्वेज एंड इट आर इजी टू लर्न, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर पे फोकस मत करना, सिर्फ सेंटेंस आर से, ठीक है। इसके अंदर मैं जितना भी इस लगा लू, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस से इस लिख दू, वापस से इस लिख दू, तो सिंपल चेंज हो जाएगा ARER से, ठीक है। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने रिप्लेस मेथड भी देख लिए हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्रिम मेथड, ठीक है। ट्रिम मेथड क्या करेगा हमारा ट्रिम मेथड, सबसे पहले मैं इसको करूंगा। ट्रिम मेथड जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खान, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सा ना बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने रैंडमली एक नाम ले लिया और मैंने लिख दिया खान शाहनवाज, ठीक है। इसके अंदर मैं करता हूँ इसको अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अलर्ट करता हूँ मैं, अलर्ट का सबसे पहले मैं यहाँ पे अलर्ट करने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करता हूँ ए का, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखा गया खान शाहनवाज, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक मेथड लगाता हूँ ए डॉट ट्रिम मेथड, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ, और मान के चलो हम लोग ने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। और यूजर ने क्या किया, बहुत सारा बीच में स्पेस दे दिया, ठीक है, बहुत सारा स्पेस दे दिया, स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया और एंडिंग में स्पेस दे दिया, ठीक है। हमारा स्ट्रिंग इस पैटर्न में बन गया, ठीक है। और पर लेकिन अभी ये तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर तो ऐसा दिखाएगा कि नहीं यहाँ पे कितना स्पेस है, तो सिंपल इसके ऊपर नॉर्मल प्रिंट होके आ गया। पर लेकिन अगर मैं इसी चीज को अलर्ट के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है, ARER, ठीक है, अलर्ट करूंगा, यहाँ पे देखना सिंपल अलर्ट के अंदर दिखा दिया कितना स्पेस हमारा, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा स्पेस इसके अंदर दिखा दिया है, ठीक है शाहनवाज। इसके अंदर हम लोग ने जितना हाँ स्पेस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे उसने वो अलर्ट के अंदर स्पेस को दिखा दिया, और एंड में भी हम लोग ने जितना, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देख लो जितना हमारा जितना भी हम लोग ने स्पेस या जितना भी कैरेक्टर लिखे थे वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। पर लेकिन अभी हम लोग डेटाबेस में इसको स्टोर करना रहेगा, हम लोगों को कुछ तो अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ना। तो आप यहाँ पे हम लोग आर्ट अरे ए ए डॉट ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। ये ए डॉट ट्रिम क्या करता है, जितने भी वेरिएबल के अंदर जितने भी मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में, बीच में नहीं, ठीक है, बीच में नहीं करेगा, स्टार्टिंग में और एंडिंग में जितने भी स्पेस रहेंगे वो सिंपल उसको ट्रिम कर देगा, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ ए डॉट ट्रिम का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे मैं बी नाम के वेरिएबल को कर लेता हूँ प्रिंट, और जैसे मैं करूंगा प्रिंट यहाँ पे सबसे पहले ओके, पेज को करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखा क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी हमारा स्पेस था मतलब अनयूजेबल स्पेस था वो सारे इसने ट्रिम फंक्शन ने क्या किया उसको कर दिया ट्रिम, है ना। और यहाँ पे ट्रिम फंक्शन से, और फिर यहाँ पे जैसे देखो जाए ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो स्पेस था वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, उसने लेफ्ट हैंड साइड से सारे स्पेस को निकाल दिया और राइट हैंड साइड से सारे स्पेस को निकाल दिया, और वही चीज को उसको उठा के उसने बी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और बी को हमने सिंपल कर दिया अलर्ट, और यहाँ पे अलर्ट में दिखा रहा है, ठीक है।
ये था ट्रिम का कारण, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग से जितना भी स्पेस रहेगा वो उसको निकाल के एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देगा और उसको कर देंगे सिंपल प्रिंट। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कैरेक्टर एट। कैरेट हमारा क्या करेगा, कैरेट के अंदर जैसे एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने, वेरिएबल ए बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेखू जैफा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट सिंपल, अभी मैं एक नया वेरिएबल नहीं बनाता, इसी के अंदर मैं सब कुछ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ ए डॉट सी एच ए आर कैरेट रिटर्न द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स। ठीक है, मैं क्या बोला, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके आर्गुमेंट में हमें क्या पास करना पड़ेगा कैरेट के अंदर, इतना ध्यान रखना सी एच ए आर जो है इसका सी स्मॉल में रहेगा और ए टी का हमेशा एक कैपिटल में रहेगा। ठीक है, कैरेट, और हमें इसके अंदर क्या पास करना, हमें हमें पता लगाना है कि ये जो वेरिएबल है इसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसके 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है वो मुझे निकाल के दे दो, तो मैंने बोला कैरेट और 0 इंडेक्स पे हमारा है एस, तो उसने निकाल के दे दिया एस यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर 12 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है, ठीक है, तो उसने बता दिया एफ 0 इंडेक्स, अरे 12 इंडेक्स पे स्टोर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे आई है और 12 पे एफ है। ठीक है, तो उसने कैरेट ने वो निकाल के दे दिया। ठीक है, कैरेट समझा, समझा सनवास, हाँ कैरेट मेथड वो पर्टिकुलर इंडेक्स जो हम लोग उसके अंदर पास करेंगे वो इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर रहेगा वो उसको निकाल के दे देगा। सारे छोटे छोटे मेथड है, समझ के ले लो। ठीक है, कॉन्केट भी मालूम ही होगा। ठीक है, मैं हम लोग एरे के अंदर कॉन्केट देख रहे हैं ना सानोवश। हाँ ठीक देखे है, दे तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्केट के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत ही लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, हमें हमारे अभी बहुत सारे मेथड बचे हैं। ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं, जो चीज हम लोग ने एरे के अंदर देख ले उसको भी हम लोग सिंपल स्ट्रिंग के अंदर भी कर सकते हैं उसका। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करेगा, जैसे मैं यही एक वेरिएबल उठाता हूँ मैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे जाता हूँ करता हूँ पेस्ट, और मैं इसके अंदर लगाता हूँ स्प्लिट मेथड। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट हाइड करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए के अंदर, ए वेरिएबल पे हम लोग लगाते हैं स्प्लिट मेथड। ठीक है, स्प्लिट मेथड क्या करेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिट मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, वो आर्गुमेंट क्या रहेगा, स्ट्रिंग के अंदर वो आर्गुमेंट रहेगा। ठीक है, अब वो आर्गुमेंट के अंदर मैं पास करता हूँ स्पेस, एक स्पेस में पास करता हूँ, और वो अभी क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा इस स्ट्रिंग के अंदर, वो यहाँ पे चेक करेगा यहाँ पे स्पेस कहाँ पर है, उसको वो कर देगा वहां से ब्रेक, उसको सिंपल कर देगा प्रिंट। ठीक है, वहां पे एक कॉमा लगा देगा। ठीक है, जैसे मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, यहाँ पे स्पेस की जगह पे उसने लगा दिया कॉमा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ यहाँ पे मुझे चाहिए, इसमें जितनी बार भी ये ए के अंदर ए का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ए नाम का जो कैरेक्टर है इसके अंदर जो ए नाम का कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ है वो जितनी बार भी इस्तेमाल हुआ उसके जगह पे मैं चाहिए मेरे को वहां से ब्रेक करके दे दे, तो ये क्या करेगा, ए की जगह पे कॉमा लगा देगा, एच यू जेड ए, यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया और एफ के बाद भी ए पे लगा दिया कॉमा। ठीक है, समझ ये गया। वो स्पीड का मैटर मुजैफा है कि नहीं, है माइक ओपन नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्प्लिट मेथड देख लिए। इसके बाद आता है अपना रिपीट मेथड। रिपीट मेथड क्या करेगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, अभी मैं इस स्ट्रिंग को बोलता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले ए डॉट रिपीट लिखूंगा। ठीक है, रिपीट लिखने के बाद यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है मेरे को ये चाहिए 10 बार, ये स्ट्रिंग मेरे को प्रिंट होने होके चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं करूंगा इसके अंदर 10 10 लिख के मैं पास कर देता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, शेख उजैफा जो है वो 10 बार यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सिंपल।
जितनी बार भी हमें प्रिंट करना है, जहां पर मैंने बोला 20 बार हुजैफा प्रिंट होने से, तो यहाँ पे 20 बार शेख हुजैफा प्रिंट होगा, ठीक है। अगर बोला ठीक है 5 बार प्रिंट होना है तो वो 5 ही बार प्रिंट होगा, ठीक है। रिपीट मैटर में सिर्फ हमें कितनी बार प्रिंट होना है, सिर्फ वो पास करना रहता है पैरामीटर के अंदर, ठीक है। फिर स्लाइस मेथड भी हम लोगों ने देखे थे, एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला था, ठीक है। यहाँ पे सिंपल में ये लेता हूँ, यही सेम वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, और यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ए डॉट, सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और ए डॉट के अंदर मैं लिखता हूँ स्लाइस, ठीक है। ए डॉट स्लाइस मेथड का इस्तेमाल करूंगा, और उसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टार्ट आता है और एंड आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि स्टार्ट में हमारा स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग हो 0 से, 0 से स्टार्ट हो, और फिर कॉमा, एंडिंग उसकी क्या चाहिए हमें, एंडिंग चाहिए कि वो 5 तक जाना चाहिए, ठीक है। 5 तक वो जाना चाहिए, ठीक है। 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो और 5th इंडेक्स तक जाना चाहिए, ठीक है। वो मैं लगाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे 0 इंडेक्स से चालू, 0, 1, 2, 3, 4, और जैसे तुमको पता है कि वो 5th इंडेक्स को प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। वो लेस देन लेके चलता है, ठीक है। वहां पे 5th से लेस देन रहना चाहिए, ठीक है। 5th के बराबर नहीं देना चाहिए, 5th के लेस देन रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 6 दूंगा तो वो 6 के लेस देन रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, अरे यहाँ पे अगर मैं 10 लिखूंगा तो ये 10 के बराबर नहीं, 10 के लेस देन रहना चाहिए, 10 के बराबर नहीं, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पे 5 लिखा तो ये 5 के बराबर नहीं, 5 के लेस देन रहेगा, मतलब ये 4 इंडेक्स तक चलेगा, ठीक है। जैसे 0 इंडेक्स पे एस है, 1 इंडेक्स पे एच है, फिर 2nd इंडेक्स पे ए है, और 3rd इंडेक्स पे आई है, और 4th इंडेक्स पे के है, फिर 5th इंडेक्स पे एच है, पर लेकिन वो उस चीज को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। स्लाइस बता दिया, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग नॉर्मल नेगेटिव वैल्यू भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। माइनस लिखेंगे तो पीछे से इंडेक्सिंग चालू होती है, ठीक है। मालूम है ना ये वाला, हाँ सब मालूम। स्ट्रिंग, अभी सब स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब, अरे सब स्ट्रिंग बोलो, सब str मेथड क्या करता है, सब str और स्लाइस, और ये जो सब स्ट्रिंग है, मतलब ये स्लाइस, सब str और ये सब स्ट्रिंग जो है, ये क्या करते हैं, तीनों में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। स्लाइस के अंदर हम लोग जो इंडेक्स से स्टार्ट करना है वो लिखते हैं, और जहां तक उस तो उसको चलाना है वो इंडेक्स हम लोग दे देते हैं, जैसे 0 से चलाना और 5th इंडेक्स तक चलेगा। अब ये जो सब str है ये क्या करता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ए डॉट सब str, और इसके अंदर मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। अब जो सब str है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट लेगा, वो बोलेगा कि तुमको प्रिंट कौन से इंडेक्स से तुमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हुजैफा कितने इंडेक्स पे है, शाहनवाज मुझे ये हुजैफा का ये जो एच है ये कितने इंडेक्स नंबर पे है ये निकाल के बता। जीरो 2 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो मैंने बोला 7 से चालू होना चाहिए उसका इंडेक्स। अभी इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर है, इसके अंदर इंडेक्स नहीं देना पड़ेगा हमें, इसके अंदर लेंथ देना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट पे हमें बताने कि हमें कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, इसके बाद सेकंड पैरामीटर हमें पास करना रहता है कि मतलब कितने कैरेक्टर तुमको प्रिंट करना है। जैसे मैंने बोला हुजैफा से लेके 5 कैरेक्टर टोटल प्रिंट हो जाए, ठीक है। जैसे एच प्रिंट होगा, यू प्रिंट होगा, जेड प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा और आई प्रिंट होगा, ठीक है। एच यू जेड ए आई हो जाए, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर इंडेक्स नहीं चला है, सेकंड पैरामीटर के अंदर लेंथ चला है। जैसे यहाँ पे मैंने जेड एच पे मतलब 7 इंडेक्स से लेके और वहां से 5 कैरेक्टर काउंट करके उतनी वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दे, ये काम है सब str का, ठीक है। इसके बाद है हमारा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, ये भी सेम स्लाइस मेथड की तरह ही काम करता है, ठीक है। पर लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है, इसके अंदर हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे हम लोग
इसके अंदर कैसे लेते थे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कैसे स्लाइस के अंदर यहाँ पे हम लोग जाके नेगेटिव वैल्यू लेते थे। जैसे नेगेटिव -1 लिखूंगा तो हमारा ए प्रिंट हो गया, मतलब पीछे से ए प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है हमारा। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा तो मेरा एफ ए प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, एफ ए हमारा प्रिंट होके आ गया। पर लेकिन यहाँ पे सब क्या बोलता है कि ये स्लाइस मेथड की तरह सेम काम करेगा, पर लेकिन इसके अंदर जो है हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं चलेगा, मतलब इसके अंदर -1 -2 इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे एक एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे मैंने बोला डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ ए डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर मैं पास करता हूँ, मैं बोला हूँ कि 0 नंबर चालू हो और 5th इंडेक्स तक चले, ठीक है। तो क्या प्रिंट होकर मिलेगा हमें, सेम स्लाइस के अंदर जो होता है सेम वही प्रिंट होकेगा, 0 इंडेक्स से चालू होगा और 5th इंडेक्स तक चलेगा। तो शानवाज हमारा क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 0 5 तक चलेगा ना। हाँ 0 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा। तो हमारा इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रिंट होके आएगा यहाँ पे वेब पेज के ऊपर, शेक शेक का एच नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। सेक का एच नहीं आएगा, बाकी बाकी यहाँ पे पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, एक मिनट, ये इसको यहाँ पे पेज को कम करके, सेक का एच नहीं आएगा। पता है ना क्यों नहीं एच आया, हम लोगों ने 5 इंडेक्स तक प्रिंट करे पर लेकिन उसने 5th इंडेक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमेशा जो हमारा जो हम लोग एंडिंग पॉइंट देते हैं वो हमेशा लेस देन के बराबर चलेगा, मतलब वो चेक लेस देन मतलब 5 के बराबर नहीं रहना चाहिए, 5 के लेस देन के बराबर रहना चाहिए जो हमारा एंडिंग इंडेक्स रहता है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग लेकर मतलब नेगेटिव लेकर चलूंगा, जैसे मैं -1 करूंगा प्रिंट, तो यहाँ पे माइनस, जैसे हम लोग स्लाइस के अंदर -1 लिखते थे तो हमारा ए आ जा रहा था, ठीक है, ये -1 लिखते तो मतलब जैसे यहाँ पे हमारा ये लास्ट इंडेक्स क्या हमारा माइनस से चलेगा ना, जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या है हमारा -1 है, ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो एफ है ये -2 है, ठीक है। सानवस सानवस, हाँ हाँ मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा स्लाइड के अंदर तो ये हम लोग -1 जब लिख रहे थे तो हमारा ए प्रिंट हो जा रहा था, जब हम लोग -2 लिख रहे नेगेटिव थे, नहीं हाँ लेता है ना ये। ये नेगेटिव नहीं लगा, अगर नेगेटिव यूज करेगा तो पूरा वैल्यू देखो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। हाँ इसके अंदर ये दो चीज का ही डिफरेंस है, मतलब ये एक मतलब सिर्फ इसके अंदर स्लाइस और सब स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है, इसके अंदर नेगेटिव स्ट्रिंग नहीं लेता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि हम लोग ने स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से बड़ी ले ली है, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 10 ले लिया और एंडिंग पॉइंट में 2 दे रहा हूँ, तो सब स्ट्रिंग क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक जो हमारा एंडिंग पॉइंट, अगर वो ऐसा रहा कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा है एंडिंग पॉइंट से, मतलब तो मतलब गलत बात होगी ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा लेस देन रहना चाहिए, मतलब बताना चाहिए किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसलिए मैं क्या बोला ये जो 10 है, मतलब ये 10 मान ले 0 1 2 3 4 5, मतलब ये ए पे आ रहा है 10 अपना, हाँ, तो हाँ 10 से स्टार्ट होगा और चलेगा 2 तक, मतलब 10 से स्टार्ट होगा और 2 पे चलेगा, तो ये तो मतलब थोड़ी उल्टी बात हो गई ना। अगर स्लाइस के अंदर इसका इस्तेमाल करें तो हमें कुछ भी नहीं प्रिंट होकर मिलेगा, ठीक है। पर हम लोग इसके अंदर अगर सब स्ट्रिंग के अंदर यही चीज सेम चीज लिख देते हैं कि हम लोग जैसे बड़ी बड़ी वैल्यू पहले लिख देंगे और छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो सब स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको ऑटो चेंज कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद इसको चेंज करके 10 करके, ठीक है, ऑटोमेटिक। एक बार मैं बता भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं और ये चीज को भी मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ 10 और -2, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ BR टैग, एक मिनट, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR टैग स्लाइस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ BR टैग लगाता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे इसने क्या बोला, स्लाइस के अंदर जब हम लोगों ने इसी वैल्यू को, जब सबसे पहले बड़ी वैल्यू लगाई और उसके बाद हम लोगों ने छोटी वैल्यू लगाई, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बड़ी दे दी और एंडिंग पॉइंट छोटी दे दी, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट में हमने बोला ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एरर चल गया क्योंकि हम लोग ने ए को कमेंट आउट नहीं करा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ने दे दिया ए और एंडिंग पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे बोल दिया यहाँ वाला ए, ठीक है। मतलब ये ए से स्टार्ट हो और ये वाले ए पे खत्म हो, तो यहाँ पे स्लाइस इस चीज को समझ नहीं पाया, ठीक है। पर लेकिन हमारा सब स्ट्रिंग क्या है, थोड़ा समझदार है, उसने क्या किया, उसने अगर जैसे उसको पता चले कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये बड़ा है और एंडिंग पॉइंट छोटा है, उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पे उसने लगा दिया 2 और यहाँ पे उसने लगा दिया 10, ठीक है, इंटरचेंज करके, और यहाँ पे उसने वैल्यू को कर दिया सिंपल प्रिंट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझा सानोस, हाँ डिफरेंस समझा ना, सब स्ट्रिंग और ये इसमें क्या। और हम वो लोगों ने एरे, जब एरे के जब मेथड देख रहे थे, हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग भी देख लिए थे और वैल्यू ऑफ भी देख लिए थे। तो इसके अंदर भी अभी मेरे को लगता नहीं है कि जरूरत है वैल्यू ऑफ और ये 2 स्ट्रिंग बताने की, ठीक है। 2 स्ट्रिंग क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग को वापिस से स्ट्रिंग में, मतलब कोई भी एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ सिंपल, कोई भी एरे है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एरे में हो या वो स्ट्रिंग में हो। सिंपल अगर हम लोग किसी चीज को करना है प्रिंट, तो हम लोग वैल्यू ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट का 2 मेथड बचता है जो कि थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एडवांस है, क्या एडवांस है बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे, करता हूँ ओपन, एक मिनट, ठीक है, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। जैसे हमें यहाँ पे पता होगा स्काई कोड, पता है तुम लोग को स्काई हाँ कोड क्या होता है, ASCII, स्काई कोड क्या होता है हमारा, हाँ वो ये है रहता है। हमारा स्काई कोड। कीबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे कीबोर्ड के ऊपर बटन है ना, हर एक कीबोर्ड का एक एक स्काई कोड है। जैसे हम लोग अगर कैपिटल ए को कर रहे हैं टैब, मतलब कैप्स लॉक दबा के हम लोग कैपिटल ए को करेंगे प्रिंट, तो उसका एस्काई कोड डेसिमल में है 65, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम लोग नॉर्मल नेट पे जाके एस्काई टेबल लिखोगे तो तुम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं कैरेक्टर का, कोई भी एक सिंपल कैरेक्टर है उसका एस्काई कोड मुझे पता लगाना है, ठीक है। तो मैं सिंपल उसको एस्काई कोड की मदद से पता लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक वेरिएबल करता हूँ मैं प्रिंट, जैसे मैं ये सिंपल शेख हुजैफा वाला लेके चलते हैं वेरिएबल, यहाँ पे करता हूँ मैं सिंपल प्रिंट इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ एक और, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल बी नाम से बनाता हूँ, वेरिएबल बी बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसका बोलता हूँ ए। ए के अंदर मैं लगाता हूँ एक मेथड, जो मेथड का नाम है कैरेक्टर कोड एट, मतलब कैरेक्टर का जो अस्काई कोड है, यहाँ पे देख सकते लिख के आ रहा है, रिटर्न द यूनिकोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड लोकेशन, ठीक है। जैसे मैं ये कैरेक्टर कोड ऐड का इस्तेमाल करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर जो सेकंड, जैसे मैं इसके अंदर बोला, अभी इसके अंदर हमें इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हमें इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैं बोला 0 इंडेक्स पे, जो हमारा 0 इंडेक्स पे एस पड़ा हुआ है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे जो एस है इसका अस्काई कोड निकाल के मुझे दे दो, ठीक है। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी की वैल्यू, करूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश, और यहाँ पे उसने मुझे दे दिया जो एस है कैपिटल एस, उसका हम लोग यहाँ पे जाके देख लेते हैं कैपिटल एस का स्काई कोड क्या है, 83, ठीक है। और यहाँ पे भी 83 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे 1 इंडेक्स पे पड़ा है स्मॉल में एच,
तो स्मॉल एच का ASCII कोड क्या है अगर हमें पता लगाना है, 104 है स्मॉल एच का ASCII कोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाके देख लेते हैं, स्मॉल एच का ASCII कोड है 104। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग, अगर हमें उसके अंदर किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट पर्टिकुलर इंडेक्स का ASCII कोड हमें पता लगाना है, तो हम लोग कैर कोड ऐड का इस्तेमाल करेंगे मेथड का, और उसके अंदर हम लोग सिंपल वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स पास कर देंगे, और वो इंडेक्स की वैल्यू हमें सिंपल निकाल के दे देगा। ठीक है, इतना समझा। अभी इसके बाद आता है हमारा फ्रॉम कैरेक्टर कोड, इसके अंदर हमें क्या करना रहेगा। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, कमेंट, और यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अभी हमें क्या लिखना रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें अभी कोई भी हमें इसके अंदर स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर मतलब ASCII कोड से हमें पता लगाना है कि वो कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, वो पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल ए नाम से, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल के अंदर लिखता हूँ सबसे पहले स्ट्रिंग नाम का, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग जो है एक कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी ये जो कैरेक्टर कोड की ASCII कोड की वैल्यू है इसके अंदर पड़ी हुई है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हम लोग फॉर नॉर्मली स्ट्रिंग नाम का ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग एक मेथड लगाएंगे फ्रॉम फ्रॉम कैर कोड। ठीक है, फ्रॉम कैर कोड का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग नॉर्मल हम लोग डेसिमल मतलब ASCII कोड की वैल्यू हम लोग इसके अंदर पास करेंगे। जैसे मैं को पता लगाना है कि 20 नंबर जो ASCII कोड है ये कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट आर के अंदर, मैं ए को कर दूंगा प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा पेज को सेव, और यहाँ पे इसने मुझे दे दिया एक मतलब एक पता नहीं कौन सा सिंबल है, और यहाँ पे मैं ASCII कोड के जाके देखता हूँ 20 नंबर पे हमारा कौन सा। ठीक है, 20 नंबर पे हमारा ढूंढते हैं कहाँ पे हमारा 20 20 20 20 नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा नहीं है, पर लेकिन हमें यहाँ से पता चल गया है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली जैसे मैं 65 लिखता हूँ, ठीक है 65 पे मुझे पता लगाने की कौन सा कैरेक्टर है हमारा, इसको करूंगा सेव, कैपिटल ए है हमारा 65 नंबर ASCII कोड के बाद। यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस वेरीफाई चेक करेंगे 65 पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है ए नाम का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 66 तो यहाँ पे 66 पे है बी, अगर मैं 67 लिख दूँ तो यहाँ पे सी आर, और अगर मैं 68 लिख दूँ तो नॉर्मल डी आर। ठीक है, हाँ ये सब होता है ठीक कैरेक्टर को। ठीक है, इतना समझ गए तुम लोग को। ठीक है, है। हाँ समझ गए। हाँ समझ समझ गया ना भाई। ठीक हाँ है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखे, आज हम लोगों ने सबसे पहले देखे कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन एरे एंड डिस्प्ले ऑन वेब पेज यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखे यूजिंग ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल विद एरे एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखे फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके बाद हम लोगों ने देखे मैप मेथड, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड देखे। ठीक है, तो टोटल जितने भी है तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो सिंपल तुम लोग यहाँ पे पूछ सकते हो अभी। ठीक है, तो मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, पूछ लो तुम लोग, कोई डाउट है तुम लोग को अगर कोई मेथड या कोई टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सानवस देखो कोई डाउट है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हेलो सानवस, हेलो, अरे हुजैफा, माइक खराब है। अच्छा ठीक है, मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना। नहीं, ठीक है, तो यहाँ के लेक्चर में अभी करता हूँ यहाँ पे एंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी हम लोग यहाँ से अभी नेक्स्ट लेक्चर में और भी मेथड देखेंगे, फिर हम लोग उसके बाद डोम का स्टार्ट करेंगे, डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल अपना जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेक्चर को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।